भारत में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। इन पहेलियों में से एक है बिहार के नालंदा का सोन भंडार। जी हाँ मित्रों, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस सोन भंडार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा हुआ है। बताया जाता है कि हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से गायब है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। इतिहासकारों के अनुसार हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। बताया जाता है कि बिहार की इस गुफा में हरियक वंश का खजाना छिपा कर रखा गया है। अंग्रेजों ने भी इसके भीतर जाने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। इस सोन भंडार को देखने व जानने के लिए आज भी पूरे विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन सभी अनसुलझी रहस्यमय कहानी सुनकर आश्चर्यचकित होकर वापस लौट जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने वह सोना आभूषणों को इकट्ठा करते रहते थे। उनकी कई रानियां थी, जिनमें एक रानी बिंबिसार की पसंद का पूरा ध्यान रखती थी। कहा जाता है कि जब अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने राजगीर में यह सोना सोन भंडार की गुफा में छुपा दिया। इस गुफा में राजा द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजानों को छिपा दिया गया था। सोन भंडार की गुफा के अंदर प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा चौड़ा और 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे के दूसरी ओर खजाने का कमरा है, जो कि एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। इस गुफा में दो बड़े कमरे एक समान बनाए गए थे। एक गुफा में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में खजाने को छिपाया गया था। इस कमरे को एक बड़े से चट्टान से ढका गया है, जिसे आज तक कोई खोलने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही वजह है कि आज तक यह गुफा विज्ञान और इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा के दरवाजे पर स्थित चट्टान में शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा गया है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाता है, तो वह सोन भंडार को खोल सकता है। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि इसके अंदर हमारी कल्पना से भी अधिक सोने का भंडार हो सकता है। बता दे कि राजगीर में मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें से एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृतियां मिली है, तो दूसरी के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा या चिन्हों में शिलालेख मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 14वीं सदी में जैन मुनि ने किया था। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में 6 जैन धर्म तीर्थंकारियों की मूर्तियां भी है चट्टान में उकेरी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहा करते थे। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृतियां मिलने से इनका संबंध हिंदू व जैन धर्मों से भी जोड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु सत्ता के लिए पिता को कैद करके खुद मगध का सम्राट बन गया था। अजातशत्रु ने या तो बिंबिसार की हत्या कर दी या उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन उनकी मौत के बाद खजाने का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे खजाने और गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज केवल बिंबिसार ही जानता था। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। वायु पुराण के अनुसार हरियक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहद्रथ का शासन था। बृहद्रथ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वह 100 राज्यों को पराजित करके निकल पड़ा था। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। वायु पुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी के गुफा में छिपा दिया था। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे। इसके पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया।
अंग्रेजों के शासनकाल में इस गुफा के बाहर तोप के गोले से विस्फोट करके गुफा के भीतर जाने की कोशिश अंग्रेजों ने बहुत की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक रहस्य ही बनी हुई है। गुफा की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वह खजाने का रास्ता जल्दी ही ढूंढ लेगा। मित्रों, तो आज आपने जान ही लिया होगा कि सोन भंडार की गुफाएं क्यों इतने रहस्यमयी हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बड़ी फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।